नमस्कार, ताज़ा खबरों के साथ मैं हूं सुखवीर। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल भिवानी हलचल। सबसे पहले एक नज़र आज की न्यूज हेडलाइंस पर। बिजली की समस्याओं का निपटान खुला दरबार में किया जाए, कहा खेल राज्य मंत्री संजय सिंह ने। तो शाम से चुनाव लड़ेंगे बंसीलाल के पुत्र अनिरुद्ध चौधरी। किसान सभा ने ओलावृष्टि से बर्बाद हुई फसलों के मुआवजे के लिए 50,000 रुपए प्रति एकड़ की मांग। अब खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री द्वारा की गई घोषणाओं से संबंधित कार्यों को अधिकारी निर्धारित समय में पूरा करें, यह कहना है खेल राज्य मंत्री संजय सिंह का। पंचायत भवन में आयोजित कष्ट निवारण समिति की बैठक में उन्होंने कहा कि सरकार की कल्याणकारी योजनाओं का लाभ आम जनता तक पहुंच रहा है। इस अवसर पर राज्य मंत्री के समक्ष बिजली, पानी व विकास कार्यों से संबंधित रखे गए 12 परिवादों में से उन्होंने 10 परिवादों का मौके पर निपटारा किया। उन्होंने कहा कि पर्यावरण को सुरक्षित रखने व पौधों की देखभाल करने के लिए वन मित्रों की भर्ती की जाएगी। बैठक के पश्चात पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने दावा किया कि बीजेपी हरियाणा में तीसरी बार सरकार बनाएगी। किरण चौधरी के मुद्दे पर उन्होंने कहा कि उनके भाजपा में आने से लाभ मिलेगा। खेल राज्य मंत्री संजय सिंह ने कहा कि सरकार अंत्योदय की भावना से कार्य कर रही है और इसकी जन कल्याणकारी योजनाओं से हर वर्ग खुश है। सरकार द्वारा लोगों को ऑनलाइन माध्यम से सरकारी योजनाओं का लाभ दिया जा रहा है। राज्य मंत्री संजय सिंह पंचायत भवन में जिला लोक संपर्क एवं कष्ट निवारण समिति की बैठक में परिवादों का निपटारा करने के दौरान अपना संदेश दे रहे थे। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि लोगों की शिकायतों का प्राथमिकता के साथ समाधान करें, नागरिकों को अनावश्यक रूप से कार्यालयों के चक्कर न लगाने पड़े। बैठक में कुल 12 परिवाद रखे गए, जिनमें से 10 का राज्य मंत्री संजय सिंह ने मौके पर ही समाधान कर दिया। उन्होंने निर्देश दिए कि जिले में खुला दरबार लगाकर बिजली से संबंधित शिकायतों का निपटान करें और जिले में जितने भी बिजली के लोहे के पोल हैं उन्हें अति शीघ्र हटाया जाए। पत्रकारों के पीने के पानी के सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि अमृत योजना के तहत हर घर में नल और नर्मल जल पर कार्य किया जा रहा है। राज्य मंत्री ने कहा कि बापुड़ा गाँव के जलघर की गाद 15 दिन के अंदर अंदर निकलवा दी जाएगी। इनकी जांच करी है। 22 और 23 फरवरी को मैंने दोनों पक्षों को बुलाया, दोनों को सर सुना मैंने और उसमें यह निकला दोनों ने सर आपस में बहुत एक दूसरे पर एलिगेशंस लगाए, परंतु सर जो बात जो अटकी वो जो पहले भी थी कि सीएम विंडो की एटीआर पर सिग्नेचर्स फेक है या रियल है, सर इस बात पे वो हमारी जो सहमति किसी की नहीं बन रही थी। सर मेरा सबमिशन यह है कि सर देखकर सिग्नेचर को एटीआर पर नहीं बताया जा सकता सर उस इस हाल में कि वो रियल सिग्नेचर है या फेक सिग्नेचर है और किस पे एक्शन लिया जाए। सर मेरी गुजारिश, मेरी सबमिशन ये रहेगी कि इस सिग्नेचर की एटीआर ओरिजिनल डॉक्यूमेंट की फॉरेंसिक से जांच हो और जो भी उसमें गलत पाया जाएगा, चाहे वो डॉक्टर्स हों चाहे वो कंप्लेनेंट हो, सर उसके खिलाफ वो एफआईआर दर्ज की जाए। सर ये मेरा भी आपके हरी गाली हमारी लाइन अभी भी ऊंची है और उसके दस वाले घरों तक पानी नहीं है, अभी 2 दिन से पानी आ रहा है। आज गिरन सिंह में करीब 12 परिवार जो जिसमें पहले 6 पहले थे और 6 नए जो परिवार थे उन सुना गया, जिनका 10 परिवारों का मौके पर ही जिनका निपटान किया गया। 2 को पेंडिंग रख लिया गया है जिसमें एक दो जो समस्या थी जब तक अगली डेट तक उनका सुनिश्चित नहीं किया जाएगा, जब तक उसे पेंडिंग रखा गया है, जिसमें एक वो पोस्ट ऑफिस की जांच थी और एक पानी की समस्या थी। और मैं समझता हूँ भिवानी जो हमारे डीसी साहब और सभी टीम बहुत अच्छे ढंग से काम कर रही है और इसके इसी परिणाम के कारण जो 10 जिसको जो हुआ है, मैं समझता हूँ बहुत अच्छा प्रशासन के द्वारा जो सहयोग किया जा रहा है, काम किया जा रहा है, वो बहुत सराहनीय।
यहाँ जो कॉमन समस्या थी ज्यादातर पानी की या इस तरह संबंधित थी, कुछ रेवेन्यू की तो डिपार्टमेंट को थी, लेकिन मौके पर ही उनको निपटारा कर दिया गया। पेयजल की शिकायत काम होने हमें इसमें किसी प्रकार की कोई पानी समस्या नहीं रही, और पानी के लिए सरकार वचनबद्ध है, हर घर में हम नल देना और पानी देना सरकार का काम है, जिस सुविधा को बहुत जल्दी पूरा करा दिया। स्वर्गीय बंसीलाल के पोते अनिरुद्ध चौधरी के तोसाम सीट से विधानसभा चुनाव लड़ने के संकेत देकर सियासत को गर्मा दिया है। बीसीसीआई के कोषाध्यक्ष रहे अनिरुद्ध चौधरी ने क्रिकेट की भाषा में अपनी चाची किरण चौधरी को चुनौती दी। वहीं उन्होंने अपनी बहन श्रुति चौधरी की बजाय खुद को बंसीलाल की राजनीतिक वारिस बताया। अपने निवास पर कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि किरण चौधरी के कांग्रेस छोड़ने से पहले उनका दावा बाढ़ा सीट से था, क्योंकि उनके पिता रणवीर सिंह महिंद्रा यहां से चुनाव लड़ चुके हैं। हरियाणा में आने वाले विधानसभा चुनाव में तोशाम सीट सबसे हॉट सीट होने वाली है। बता दें कि तोशाम सीट बंसीलाल के बाद किरण चौधरी की सीट रही है। अब किरण चौधरी के कांग्रेस छोड़ भाजपा में जाने पर अनिरुद्ध ने यहाँ से कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ने के संकेत दिए हैं। इसे लेकर अनिरुद्ध ने भिवानी में अपने आवास पर तोशाम हलके के कार्यकर्ताओं की बैठक ली। बैठक के बाद अनिरुद्ध चौधरी ने अपनी चाची किरण चौधरी के सामने चुनाव लड़ने और बंसीलाल का राजनीतिक वारिस होने का दावा ठोका। राजनीति विरासत को लेकर छिड़ी बहस पर अनिरुद्ध खुलकर बोले। उन्होंने कहा कि धर्म व परंपराओं के अनुसार मेरे दादा के वारिस मेरे पिता और उनका वारिस मैं हूँ। मेरे चाचा सुरेंद्र सिंह की वारिस मेरी बहन श्रुति चौधरी है। तोशाम हल्के से मेरे दादाजी के चाचा जी के जो पुराने साथी और उनके परिवार के युवा आज यहाँ उपस्थित हुए, मैं बहुत खुश हूँ। जो उन्होंने मुझे प्यार दिया और उनको सपोर्ट करने के लिए आग्रह किया कि भी आप तोशाम से चुनाव लड़ो, और कई लोग ये कह रहे हैं कि इतने सालों में हमने पहली बार कहीं पर भी इतनी भीड़ तोशाम हल्के के आदमियों की देखी। मैं बहुत खुश हूँ, बहुत संतुष्ट हूँ, और इसी हिसाब से अब हम दौरे शुरू कर रहे हैं, तो आज की शुरुआत बहुत अच्छी है। तो उस चीज़ को माने, प्रयास करें, हम साथ देंगे उनका। हम तो चाहते हैं हमारे इलाके में, हमारी वो नीति नहीं है कि हम जो मौजूदा सरकार या कोई भी सरकार उसके मंत्री के साथ में सींग फंसा के खड़ा होना। हम तो एक ही चीज़ चाहते हैं, हमारे किसान को पानी मिलना चाहिए। मैं कह रहा हूँ कांग्रेस पार्टी की सरकार आएगी तो इरीगेशन, लॉ एंड ऑर्डर, ये सरकार के लिए सबसे बड़ी प्राथमिकता रहेंगे। एजुकेशन, हेल्थ, ये सारे सेक्टर, लॉ एंड ऑर्डर, ये बहुत ज़रूरी हैं। इन पे काम करना, ध्यान देना, आज के दिन इतना नहीं दिया जा रहा जितना होना चाहिए। कोई मजबूरियाँ हो सकती हैं सरकार की, मैं मानता हूँ होगी कोई मजबूरियाँ, पर ये इन चीज़ों पे ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। सब जहाँ पर मेरे दादाजी शायद सबसे ज़्यादा खुश होते, जहाँ से मैं लड़ूंगा वहाँ से हल्के में क्या समस्या करेंगे। हल्का नहीं, पूरे इलाके की बात करो, देखो एक तो पानी की समस्या, एक बेरोजगारी की समस्या, किसानों को लेकर बहुत समस्याएं, और स्वास्थ्य विभाग को लेकर समस्याएं, लगभग हर महकमे को लेकर आज के दिन समस्याएं हैं। और शायद अपने इलाके के जो मौजूदा विधायक हैं वो सक्षम नहीं रहे अपने इलाके में विकास औरों के बराबर कराने में, तो ये कमी पूरी करने के लिए मैं वचनबद्ध हूँ। मैं ये कमियां पूरी करने के लिए सब साथियों के साथ मिलकर आगे बढ़ूँ। मार्च महीने में ओलावृष्टि से बर्बाद हुई फसलों के लिए दिए गए मुआवजे को अपर्याप्त बताते हुए अखिल भारतीय किसान सभा के द्वारा उपायुक्त कार्यालय में पहुंचकर सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया गया। किसान सभा के उप प्रधान ओम प्रकाश ने कहा कि ओलावृष्टि से नंदगांव सहित आसपास के गांवों में सरसों, गेहूं व अन्य फसलें पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी थी। इस संबंध में उन्होंने पीड़ित किसानों को 50,000 रुपये प्रति एकड़ मुआवजा देने की मांग से संबंधित ज्ञापन तहसीलदार को सौंपा। प्रदर्शनकारी किसानों को संबोधित करते हुए किसान सभा के जिला उप प्रधान कामरेड ओम प्रकाश ने कहा कि मार्च 2024 में अचानक ओलावृष्टि ने कई गांव में पक कर तैयार होने वाली सरसों, गेहूं व अन्य फसलों को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया था। उस समय भिवानी तहसील के गांव नंदगांव, मानहेरू, धारेडू, गोरीपुर, कितलाना, झरवाई, मदमादवी, नांगल व दादरी जिले के डोहकी व अन्य गाँव में ओलावृष्टि से 100% फसलों को नुकसान हुआ।
किसानों को सरसों के नुकसान के प्रति एकड़ 9,000 व गेहूं के लिए 11,000 रुपये प्रति एकड़ मिले हैं, वे भी सभी पीड़ित किसानों को नहीं मिले तथा 5 एकड़ से ज़्यादा जमीन मालिक किसानों को कोई मुआवजा नहीं मिला, जो किसानों के साथ अन्याय है। उन्होंने कहा कि किसान सभा पीड़ित व प्रभावित किसानों के लिए 50,000 रुपये प्रति एकड़ के लिए मुआवजा लेने की मांग को लेकर आंदोलन करेगी। मैं श्री बलबीर गांव नंदगांव जिला भिवानी हरियाणा के रहने वाला हूं। 2024 में जो ओलावृष्टि से हमारे नंदगांव में जो नुकसान हुआ था उसकी सरकार ने पूर्ण रूप से भरपाई नहीं करी है। किसी के तो 1 एकड़ के 5,000, किसी के 1 एकड़ के 2,000 और 5 एकड़ से ऊपर के जो लोग हैं उनको जमींदारों को वंचित कर दिया गया इससे। तो हम ये चाहते हैं कि डीसी साहब हमें समझाए कि भाई किस हिसाब से मुआवजा डाला गया है, इस मुआवजा से किसान संतुष्ट नहीं है। और हमारी ये मांग है डीसी साहब से कि भाई हमारे को समझाया जाए कि मुआवजा 100 रुपये प्रति एकड़ है और बचा हुआ मुआवजा सभी किसानों का डाला जाए। इसमें हमारी सारी फसल बर्बाद हो गई थी। डीसी साहब ने बोला था कि भाई पूर्ण रूप से गिरदावरी करके जमींदारों का पूर्ण मुआवजा डाला जाएगा, वो नहीं किया गया। नंदगांव में तो बहुत भारी नुकसान हुआ था और अब ये किसान ये चाहते हैं भाई हमें बताया तो जाए किस आधार पर ये मुआवजा बनाया है। काफी लोगों को छोड़ दिया गया और एक खेत वाले का 5,000 आ गया, 7,000, एक वाले का 2,000 आ गया उसी के साइड में। तो ये संतुष्ट नहीं है और मांग कर रहे हैं 50,000 रुपये प्रति एकड़ मुआवजा दिया जाए और 5 एकड़ से ऊपर के किसानों को भी दिया जाए। उनको तो बिल्कुल ही छोड़ दिया, सरकार ने कंडीशन लगा दी। तो इसलिए किसानों में भारी रोष है और आज ये उपायुक्त महोदय को ज्ञापन देने आए, अपनी बात रखने आए हैं। एक तो मुद्दा ये है। दूसरा, नंदगांव में एक वाल्मीकि समाज का परिवार है, वो बकरी चरा के अपना गुजारा करता है प्रदीप। उसकी 25 बकरियां 22 तारीख की रात को 1 से 1.5 बजे के बीच 1:40 के बीच चोरी कर ली है और FIR दर्ज होगी 23 तारीख में, लेकिन पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही, संबंधित थाना कार्रवाई नहीं कर रहा। इसलिए मजबूर होकर कहा कि SP साहब से मिलने आए हैं और एक गिरोह कुड़ल बास में वो जो ने अभी 2-3 दिन पहले वो जो ने गांव वाले जाग गए, वो भी बकरी चोरी करने गया था या भैंस चोरी करने गया था तो वो भाग गए, उनकी गाड़ी जब्त कर ली गांव वालों ने, एक फोन भी वो जूही थाने में है उससे सुराग मिल सकता है कि भाई ये गिरोह कौन है। तो इस गरीब परिवार का कोई रोजी रोटी का साधन नहीं बचा, तो इसलिए इसकी बकरियां बरामद हो और चोर गिरोह के खिलाफ कानूनी कार्रवाई हो, ये मांग करने ये बिसाती आए हुए। मोबाइल फोन आज की जीवन शैली का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन चुका है। मोबाइल एक तरह से जरूरत बनता जा रहा है। कोरोना काल के बाद तो हालात यहाँ तक पहुँच चुके हैं कि बच्चों की पढ़ाई भी मोबाइल पर होने लगी है। स्कूलों की छुट्टियों के दिनों में ऑनलाइन क्लास लगने लगी है। कहना होगा कि मोबाइल ने मानव जीवन में अपना एक महत्वपूर्ण स्थान बना लिया है। मोबाइल फोन को एक महत्वपूर्ण मानव आविष्कार माना जाता है क्योंकि यह उपभोक्ता उद्योग के सबसे व्यापक रूप से इस्तेमाल और बेचे जाने वाले में से मोबाइल एक उत्पाद रहा है। मोबाइल की लोकप्रियता का अंदाज़ा इसी से लगाया जा सकता है कि UK में 1999 में मोबाइल फ़ोन की संख्या घरों की संख्या से आगे निकल गई। आज मोबाइल फ़ोन विश्व स्तर पर सर्वव्यापी है और दुनिया के लगभग आधे देशों में 90% से अधिक आबादी के पास कम से कम एक मोबाइल आवश्यक है। बताना होगा कि पहला हाथ में रखने वाला मोबाइल फ़ोन मोटोरोला के मार्टिन कपूर द्वारा 3 अप्रैल 1973 को न्यूयॉर्क सिटी में प्रदर्शित किया गया था, जिसमें लगभग 2 किलोग्राम वजन था। 1979 में नेप्टान टेलीग्राम एंड टेलीफोन ने जापान में दुनिया का पहला सेलुलर नेटवर्क लॉन्च किया। 1983 में पहला व्यावसायिक रूप से उपलब्ध हैंड हेल्ड मोबाइल फ़ोन था। 1983 से 2014 तक दुनिया में मोबाइल फ़ोन के ग्राहक 7 बिलियन से अधिक हो गए। 2016 की पहली तिमाही में दुनिया भर में शीर्ष स्मार्टफोन डेवलपर सैमसंग, एप्पल, हुआई स्मार्टफोन की बिक्री कुल मोबाइल फ़ोन की बिक्री का 78% है। अब तो मोबाइल का कार्यक्षेत्र बहुत बढ़ गया है और स्मार्टफोन 5G पर काम करने लगे हैं। हालात यह हो चले हैं कि अब घर के बजट में मोबाइल का खर्चे की अलग से मद बनती है। दूसरी ओर समय समय पर फ़ोन की दरें बढ़ाकर अपना मुनाफा बढ़ा रही हैं कंपनियां। देश की शीर्ष दूरसंचार कंपनी जियो ने अपने प्रीपेड और पोस्टपेड प्लान 12% से 27% तक महंगे कर दिए हैं। छोटे पैक लेने वाले उपभोक्ताओं को 5G सेवा से दूर रखा जा रहा है। जियो के 47 करोड़ ग्राहक हैं और बाजार में 47% हिस्सेदारी है। जियो के बाद एयरटेल और वोडाफोन कंपनियाँ भी अपनी सेवा बढ़ा रही हैं। देखना होगा कि मोबाइल सेवा की बढ़ती दरों को उपभोक्ता कितने समय तक सह पाते हैं। और अंत में फिर से एक नजर आज की न्यूज़ हेडलाइंस पर।
बिजली की समस्याओं का निपटान खुला दरबार में किया जाए, कहा खेल राज्य मंत्री संजय सिंह ने। तोशाम से चुनाव लड़ेंगे बंसीलाल के पौत्र अनिरुद्ध चौधरी। किसान सभा ने ओलावृष्टि से बर्बाद हुई फसलों के मुआवजे के लिए 50,000 रुपए प्रति एकड़ की मांग। अब मुझे दीजिए इजाजत, देखते रहिए आपका अपना चैनल भिवानी हलचल।